अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज ईद का दूसरा दिन है और आज सुबह हमने एक हमारे चाइनीज़ फ्रेंड थे उनके घर में नाश्ता किया है। उन्होंने हमें नाश्ता के बोला हुआ था, तो अभी नाश्ता करके हम फ्री हुए थे। देन हमने डिसाइड किया था कि आज हम यहाँ का एक म्यूज़ियम है, चिंगहाई तिब्बतन कल्चरल म्यूज़ियम, हम उसका विज़िट करेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ और अंदर जाके यहाँ क्या है क्या नहीं है डिटेल में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये है तिब्बतन कल्चर म्यूज़ियम का फ्रंट व्यू। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम इस म्यूजियम के अंदर एंटर हो गए हैं। ये सब की सब तस्वीरें रिप्रेजेंट कर रही हैं ये चाइनीज मेडिसिन को। और ये नीचे लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रोसीजर, किस किस के लिए मेडिसिन यूज होती थी। ये इसकी दोनों साइड्स पे एंशियंट तिब्बतन मेडिकल लिटरेचर। ये तिब्बत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इनकी बुक्स हैं प्रॉपर। और ये बहुत ही पुरानी दस्तावेजात हैं जहाँ पे हर मेडिकल तरीका लिखा होता था किसी भी इलाज का। तो दोस्तों, हमने जो फर्स्ट फ्लोर है वो डिस्कवर कर लिया है। फर्स्ट फ्लोर पे जो जो था वो मैंने वीडियो में दिखा दिया। अभी हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हाल है ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। जो सितारे होते हैं, सूरज, मरकरी, वीनस, जो प्लैनेट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज है। और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये उन्होंने फर्स्ट पे तिब्बत लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे चाइनीज़ एंड थर्ड नंबर पे इंग्लिश में सब लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले जो जगह बिल्डिंग विजिट करवाई थी वो फर्स्ट बिल्डिंग थी। अभी हम और जो फर्स्ट बिल्डिंग थी उसके 2 फ्लोर थे, अभी हम सेकंड बिल्डिंग में जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग है और इसके ऑलमोस्ट 4 फ्लोर हैं। जो पहली वाली बिल्डिंग थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसके एंट्री के कोई पैसे नहीं थे, बट जो ये वाली बिल्डिंग है इस पे कुछ टिकट फीस होगी। आइए देखते हैं यहाँ पे हम हमसे कितने पैसे लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने टिकट बाय कर ली है, अभी हम इसको स्कैन करेंगे और अंदर एंटर हो जाएंगे। ये टिकट चेकर मशीन है और यहाँ पे अभी हम अपने टिकट स्कैन करेंगे। ये देखें, ये खुल गया है, देन अभी हम एंटर हो गए। तो दोस्तों ये फर्स्ट फ्लोर पर है एग्जीबिशन हॉल ऑफ कारपेट्स। तो दोस्तों ये सब एंशियंट पुराने दौर के जो कॉस्ट्यूम्स होते थे जो यूज करते थे ये वो हैं। ये कॉस्ट्यूम्स दिखने में तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इवन इन्होंने यहाँ पे ये देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं, ओरिजिनल, जैसे इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। तो दोस्तों ये सब कॉस्ट्यूम्स हैं जो पहले दौर में यूज करते थे लोग पहनने के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे कॉस्ट्यूम्स हैं। तो गाइज ये है टेंपल है ये सामने, जो बुद्धा बुद्धिज्म रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं ये उनका, ये बुद्धा है। और ये जो चाइनीज मॉन्क का जो ड्रेस होता है, आप देख ही रहे होंगे।
तो दोस्तों ये पिक्चर शो कर रही है कि पुराने ज़माने में लोग जो कारपेट थी वो किस तरह बनाते थे। तो गाइस ये मैं फुल जूम किया हुआ है तो देखने से ये ओरिजिनल लग रहे हैं, दिल ऐसा लगता है जैसे ये अभी ही जिंदा हो जाएंगे। और जो ये जो टूल्स यूज होते थे कारपेट बनाने के लिए ये सारे वही हैं। तो दोस्तों ये है डिज़ाइंस कारपेट्स के जो बनाए जाते थे पहले। ये बहुत पुराने कारपेट हैं तो ये पूरा सेक्शन ही कारपेट्स का है। बड़े से बड़ा कारपेट, छोटे कारपेट, ये ईच एंड एवरी थिंग जो डिज़ाइन। ये फ्लोर एग्जीबिशन हाल ऑफ सिल्क रोड एंड सिविलाइजेशन ऑफ चिंगहाई तिब्बत। अब जो तिब्बत के जो पहाड़ हैं बेसिकली वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें तो दोस्तों बेसिकली जो ये तिब्बत का एरिया ये सारा पहाड़ी एरिया है और रियल सिटी है जो दिखा रही है तिब्बत कैसे होता था। तो दोस्तों पहले ज़माने में जिस तरह के जो हैमर थे, हथौड़े जो यूज़ होते थे वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। और इस साइड पे आप देख सकते हैं जो पोट्स बर्तन यूज़ होते थे।
हूँ।